झंडेवालन मंदिर, माँ झंडेवालन मंदिर के अंदर खड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा एक देख रहे हैं मंदिर तक बंद कर दिया गया, सारा सुनसान एरिया पड़ा हुआ है। और अब तुम आगे तक चलेंगे दिखाएंगे यहाँ का माहौल कैसे, कहाँ इतनी भीड़ रहती थी, लोग इतने इकट्ठे होते थे, आज किसी प्रकार का कोई वो नहीं दिख रहा, जा रही है दो तीन खड़ी हुई है कोई किसी तरह कि कोई लोकेशन के अंदर जैसे दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा, जिस जगह पे हर जगह भीड़ बहुत रहती थी। ओके, इस समय जैसे कि हम दिखा रहे हैं आपको झंडेवालन मंदिर, माँ झंडेवालन मंदिर का जो मुख्य द्वार है, शाम के इस समय 4:30 बज चुके हैं, जहाँ हजारों की तादाद में रोज भीड़ लगी रहती थी, अब वो गेट भी इस समय बंद है। बाजार का हाल दिखाएंगे कि बाजार कैसे बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं, एरिया के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई भीड़ नहीं है, कोई कुछ नहीं, जहाँ हजारों लोग हर समय रहते थे, आज बिल्कुल माँ झंडेवालन के यहाँ एक दिल कार्यकर्ता है, सहयोगी है, सब इस समय कोई भी नहीं आ रहा, पब्लिक भी कोई नज़र नहीं आ रही हमें रोड पे, कोई वो नहीं किसी प्रकार का। माँ झंडेवालन से हमारी यही आरजू है कि जल्द से जल्द ये कोरोना जो बीमारी है ये समाप्त हो, लोग अपने घरों से बाहर आए, और आज जो पहले की तरह चहल पहल थी वो चहल पहल फिर इस एरिए में रहे। माँ सबके ऊपर अपनी कृपा करती है, हम भी एक अरदास करेंगे अपनी, जैसे नवरात्रों के टाइम पे लाखों की तादाद में लोग आते हैं, एक सबकी हाथ पे हमें नज़र नहीं आ रहा, केवल अंदर पुजारी हैं और किसी प्रकार का कोई भीड़ वगैरह नज़र नहीं आ रहा। माँ झंडेवालन का मुख्य द्वार है, जैसे कि माँ सबको अपनी हाजिरी लगाती है, इस समय हम लॉकडाउन के समय आए हुए हैं, यहाँ का जैसे पूरा एरिया दिखा रहे हैं कि कोई भी दूर तक कोई भी नज़र नहीं आ रहा, सब दरवाज़े बंद कर रखे हैं। और सबसे बड़ा जो माँ झंडेवालन का देवी का जो दरबार है, लोग लाखों की तादाद में रात दिन रहते हैं, माँ झंडेवालन की इतनी कृपा है, हर एक आदमी के ऊपर रात दिन अपनी रहम करती है, और उनके कई सालों से भक्त वगैरह जो यहाँ से मायूस होकर जा रहे हैं, जिनको इतनी उम्मीद होती थी कि इस बीमारी के अंदर सब दरबार बंद हो सकते हैं, माँ का दर जो है कभी बंद नहीं होगा, और आज एक बहुत बड़े मायूस होकर लोग अपने बाहर से हाजिरी भर के जाते हैं कि कहीं ना कहीं माँ अपने बच्चों की करुणा आवाज़ को सुने, और आज जो है कमी आए। हमारे साथ एक भाई साहब है, आपका नाम? मेरा नाम ललित मोहन है। ललित मोहन जी, आप कितने साल से यहाँ? मैं यहाँ सर करीब 25 साल से आता हूँ। 25 साल से यहाँ आ रहे हैं, तो कैसा आप लग रहा है और पहले का वातावरण? सर मैं 25 साल पहले जो यहाँ देखा था, उसके बाद मैंने यहाँ जब भी हर संडे, हर उसको मैं आता था, संडे के दिन में आता था, ड्यूटी ऑफिस होती थी, तो उसके बाद यहाँ पे इतनी भीड़ होती थी जिसका कोई हिसाब नहीं, और आज का सन्नाटा देखते मुझे बहुत दुख है इसका, और मैं लोगों से कहता हूँ कि अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, और इस घड़ी की घड़ी तो खैर खत्म हो जाएंगे सर, और मतलब मुझे काफी दुख है सर मंदिर में आने के बाद में, सिर्फ भाई एक मतलब इतना बड़ा दरबार हो पर उसके अन्दर भी आज इतनी बड़ी मतलब इतना बड़ा सन्नाटा, बहुत दुख है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन के अंदर भी है, ये हमारे साथ बहन जी भी बैठी हुई है यहाँ पे, ये सेवादार बिचारे, ये सेवादार है, आप लोग सेवा करते हैं यहाँ? अच्छा, कितने साल से आप सेवा कर रहे हैं? अच्छा, आप सिविल डिफेंस से लगे वैसे? सिविल डिफेंस, बहुत अच्छी बात है। देखिए आज जो ड्यूटी करने वाले हैं वो भी देखिए बाहर दरबार के बैठे हुए हैं, किसी ना किसी तरह हम वहाँ तक पहुँचे पर नहीं पहुँच पा रहे। चलते रहे तुम, चलो यार तुम मत रोकना बस।
न्यू दिल्ली स्टेशन के ऊपर, जहाँ लाखों की तादाद में लोगों का आना जाना अप डाउन रहता था। आज पुलिस कर्मचारी अपनी मुश्किल से लगे हुए हैं, किसी प्रकार का किसी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई पब्लिक का नहीं है। एक गाड़ी जो कर्मचारियों के लिए लगी हुई है एमरजेंसी के लिए, वो दिखाया, मैं कैमरामैन से बोलूँगा, दिखाएंगे कि कहीं कोई पार्किंग या कोई गाड़ी ऐसी नहीं खड़ी अंदर तक कि जो किसी प्रकार की खड़ी हो। सिर्फ कर्मचारी के अधिकारियों की गाड़ी खड़ी है जो ड्यूटी अपनी दे रहे हैं। इस समय कैमरामैन को बताऊंगा कि इस समय क्या है, लोकेशन दिखाई दे। 16:42 इसका समय दिखाया जा रहा है जो हम इस समय खड़े कवरिंग करते हुए आ रहे हैं। कोई भी पब्लिक नहीं है यहाँ पे। मेन कर्मचारी जो है वही अपनी भूमिका दे रहे हैं जो इमरजेंसी के लिए आए हुए हैं, जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। बाकी किसी प्रकार का कोई बाहर का आदमी, किसी की एंट्री नहीं है, किसी को अलाउड नहीं है अंदर आना। और ये एक पार्किंग दिव्यांगों के लिए बनी हुई है जो दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पे पार्किंग भी इमरजेंसी खड़ी हो सकती है। रेलवे विभाग के पुलिस अधिकारी लगे हुए हैं, ATM में वो भी एक नॉर्मल बहुत ज़रूरत के समय लगा हुआ है। और ऊपर जो है घड़ी का समय, सारा जो बिल्कुल सारा सुनसान एरिया पड़ा हुआ न्यू दिल्ली का स्टेशन। भारत सरकार की जो ट्रेनें हैं, रेलें हैं, वो भी रुक चुकी हैं। कोई किसी को आने जाने की कोई फैसिलिटी नहीं है। निर्माण कार्य इधर एक मंदिर का चल रहा है, वो भी रुक चुका है। ये विश्वकर्मा मंदिर जो बन रहा था यहाँ पे, उसका भी पूरा सब पूरा जो है सुनसान एरिया में रुका हुआ है। घूम रहे हैं इस समय, जैसे कि हम राजीव चौक से कवर करते हुए जा रहे हैं और पालिका बाजार की तरफ पहुंच रहे हैं हम। हमें कोई भी एरिया के अंदर कोई ऐसा नहीं लग रहा कोई स्टोर वगैरह या कुछ खुला हो। पब्लिक जो है पूरा यहाँ सही लॉकडाउन का पालन हो रहा है। NDMC के एरिया के अंदर